पूरन खंड क्या बताया जाएगा? पूरन खंड बताने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, ठीक है? एक बार मूड एकदम फ्रेश करना कर लेना है, मूड फ्रेश करके ही हम आपको जो है आगे बताएं ताकि दिमाग में आपकी घुस जाए। तो कैसे है तितली उड़ ना सकी, कैसे है तितली उड़ी? पूरी संख्या साफ हो गई, ठीक है? अब हम इसको
देखते हैं कि 9 तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। तो ये उससे बड़ी संख्या देखते हैं, 3 देख लेते हैं, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 में, कि 9 के बराबर हो जाए कितना हो जाएगा, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर हमको 9 में संख्या मिल जा रही है, जिसका मतलब 9 पूरी तरह से साफ हो जा रहा है, बराबर आ रही संख्या, 9 में से 9 घटाएंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब 3, अब ये लास्ट में 3 आ गया है, ये किसी भी संख्या से कट तो सकता नहीं है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या हमने यहाँ दे रखी है पहले से, ठीक है। तो किसी भी संख्या से कटेगा नहीं, इसको 3 से ही हम काट देते हैं, तो 3 एक 3। इस तरह से ये मेरा पूरा जो है यहाँ, जब तक इसको छोटा करते रहेंगे, जब तक कि यहाँ नीचे 1 ना आ जाए। हम नीचे लिख देंगे गुणनखंड, क्या लिख देंगे, गुणनखंड लिख देंगे, ठीक है। गुणनखंड में क्या करेंगे कि ऊपर से लिखना शुरू करेंगे, कितनी बार 2 है, 1 2 3, तो 2 को 3 बार गुणा, 2 2 2 2, उसके बाद 3 3 2 बार है, तो गुणे 3 3 3 3, इसका हम गुणा करेंगे और ये संख्या प्राप्त करेंगे। तो कैसे गुणा करेंगे, 2 2 2 4, फिर 4 2 8, 4 2 8, 8 3 24, 24 को 3 से गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 3 4 12 और 3 2 6 7, कितना आ गया, 72। ये संख्या बराबर आ गई, इसका मतलब मेरा गुणनखंड बिल्कुल से सही है। लेकिन हम लोग कभी कभी गुणा करने में गलती कर देते हैं, क्या गलती करते हैं, करते हैं 2 2 4 2 8, अब ऐसे तो आ रहा है, लेकिन करते हैं 2 2 4 2 6 6 3 18, फिर ऐसे नहीं करते, 2 2 4, इसका गुणा 4 आ गया, फिर इससे गुणा करेंगे फिर कितना आया, 8 आ गया, फिर इससे गुणा करेंगे तो 12 आएगा, फिर 12 का इससे गुणा करेंगे तो 12 3 36 होगा, और 6 यहाँ से यहाँ कर दिए, ये 2 2 4 हो गया, फिर 4 2 8 यहाँ हो गया, 8 3 24 हो गया, फिर 24 3 72 ये आकर के यहाँ हमने लिख दिया। इस तरह से गुणा करते जाते हैं, जो संख्या पीछे गुणा करके आगे उसी से गुणा करते हैं, ठीक है, समझ में आया। जी।